हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मधु अन्नपूर्णा के चैनल पर। आज की नई रेसिपी है, इसमें घी भी नहीं है, मावा भी नहीं है और 100 रुपया किलो में बनकर तैयार हुई है ये रेसिपी। दिवाली के टाइम पर जितनी मिठाई आप घर में बनाओ अच्छी रहती हैं बाज़ार की मिठाई से, बाज़ार की मिठाई में काफ़ी मिलावट आती है। बाज़ार में जो मिठाई 1800 रुपया किलो मिलती हैं उससे भी अच्छी बनकर नहीं तैयार होती है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिवाली स्पेशल मिठाई। मिठाई बनाने के लिए 500 ग्राम मूंगफली ली है मैंने। मूंगफली को अच्छे से चेक कर लीजिए, जो ख़राब कोई भी मूंगफली है उसको निकाल देना, नहीं तो आपकी पूरी मिठाई ख़राब हो जाएगी। मूंगफली को अच्छे से चेक करना है, कोई भी मूंगफली ख़राब है तो उसको निकाल देना है। किसी भी मोटे तले की कढ़ाई लेना, बर्तन लेना और इसमें मूंगफली को फ्राई करना है। गैस का फ्लेम कम रखना है, तेज नहीं रखना है और चलाते रहना है जिससे कि इसमें निशान नहीं पड़े मूंगफली में। मूंगफली ऊपर से जलनी नहीं चाहिए, ऊपर से हमारी मूंगफली जल जाएंगी तो मिठाई का कलर हमारा ख़राब हो जाएगा। मूंगफली को बराबर चलाते रहना है जिससे कि अच्छे से भुन जाए हमारी मूंगफली चारों तरफ से और जले भी नहीं। मूंगफली हमारी भुन गई हैं, भुनने के बाद मूंगफली चटकने लगती हैं और बीच में से फटने भी लगती हैं, तो इस तरह की हमारी मूंगफली भुन के तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ठंडी होने के बाद मूंगफली का छुक्कल निकाल देना है और इसका पूरा छुक्कल निकालना है। किसी और रेसिपी में तो छुक्कल रह भी जाए कोई बात नहीं है, मगर इसका पूरा निकालना है, नहीं तो हमारी मिठाई का कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आराम से निकल जाएगा सारा छुक्कल अच्छे से मूंगफली भुनने के बाद। मैं जाली के परात में कर रही हूँ, इसमें से छुक्कल निकलेगा तो है नहीं, कुछ निकल जाएगा बारीक और बाकी मैं फटकूंगी तो आगे निकल जाएगा पूरा छुक्कल। देखो इस तरह से आगे आ जाएगा पूरा छुक्कल है जो। इस तरह से मैंने सारा मूंगफली का छुक्कल निकाल दिया है, देखो, और कोई भी इसमें ख़राब मूंगफली नहीं है। 2-3 ख़राब मूंगफली थी वो मैंने निकाल दी है, ये पूरी मिठाई ख़राब कर देती, नहीं तो हमारी थोड़ी थोड़ी मूंगफली डाल के नहीं हमें पीसना है। और मिक्सी जार को बंद करना है, चलाना है। बराबर पीसोगे तो मिक्सी हमारी गर्म हो जाएगी। 5-6 इलायची डाल रही हूँ मैं। मिक्सी नहीं गर्म होगी, हमारा जार गर्म हो जाएगा तो मूंगफली तेल छोड़ने लगेंगी। इस तरह से हमें पीसना है, कम कम चला कर नहीं है और छान लेना है। मैदे वाली चलनी से नहीं छानना है, मोटी चलनी आती है एक सूजी छानती है जिससे, उससे छानना है इसको। देखो तेल नहीं छोड़ा है मूंगफली ने। इस तरह से मैं छान लूँगी और इसको दूसरी मूंगफली के साथ पीस लूँगी जो बचा है। छने हुए को डाल दूँगी और बची हुई मूंगफली को डाल दूँगी, एक साथ पीस लूँगी। इस तरह से मैंने पीस लिया दूसरे को भी। सारी मूंगफलियों को मैंने पीस लिया है, देखो कितना अच्छा कलर आया है। मूंगफली हमारी भुनने में जल जाती तो कलर हमारा ख़राब हो जाता। मैं 500 ग्राम मूंगफली की बना रही हूँ मिठाई, तो मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। चीनी आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैं थोड़ी कम कर रही हूँ शुगर की वजह से। आप 500 ग्राम मूंगफली में 300 ग्राम भी डाल सकते हो चीनी, 300-400 ग्राम भी डाल सकते हो। एक गिलास चीनी डालिए तो आधा गिलास डालना है पानी। 3-4 मिनट अच्छे से इसको बॉईल करना है और चलाना है चाशनी को। 3-4 मिनट में हमारी चाशनी बनकर नहीं तैयार हो जाएगी। इस तरह से काफ़ी बबल आ रहे हैं तो हम चेक करते हैं, ये तार भी नहीं बना है, इसी तरह से रहेगी चाशनी हमारी बनकर नहीं तैयार है। बस काफ़ी मोटे मोटे हमारे बबल्स आ रहे हैं, चाशनी हमारी तैयार है। अभी गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और मूंगफली को डाल देंगे हमने जो पीस के रखी है मूंगफली। आप गैस का फ्लेम तेज़ रखोगे तो हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगी, चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। सारा मिक्सर में डाल दिया है मैंने मूंगफली का, अब इसको हमें चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। 2 मिनट पकाना है हमें इसके, चाशनी में हमें 2-3 मिनट पकाना है इसको। मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। अभी देखो आपको ये पतली लग रही है, हमारी मूंगफली फूलेंगी और 2-3 मिनट हम इसे पकाएंगे तो हमारी मूंगफली का ये मिक्सर तैयार हो जाएगा बनकर मिठाई के लिए। बराबर चलाते रहना है जिससे कि नीचे लगे नहीं, साइड से छोड़ने लगा है देखो, गाढ़ा होने लगा है,
तो गैस का फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। अब ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। आधे घंटे के बाद देखना, एकदम ठंडा होने के बाद इस तरह से गाढ़ा हो गया है। मिक्सर को आधे घंटे के लिए रख देंगे ठंडा करने के लिए। एकदम देखो गाढ़ा हो गया, पलटा पे पूरा चिपक गया है। आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो। इस मिक्सर को सॉफ्ट करने के लिए किसी भी बर्तन से आप इसको इस तरह से मिक्स कर लो जो कि एकदम सॉफ्ट हो जाए, चिकनाई आ जाएगी इस तरह से। आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो। देखो मैं आपको पेस्ट बना के दिखा रही हूँ अभी। इस तरह से 2-3 मिनट हमको इसको मिक्स करना है जिससे कि एकदम सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से हमारा डो बन कन्हैया तैयार है। देखो एकदम टाइट डो बन के हमारा तैयार है। आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हो, कलर की भी बर्फ़ी बना सकते हो आप इसमें कलर डाल के। नहीं, देखो डो हमारा एकदम तैयार है और इसमें घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मूंगफली का अपना ही घी होता है। इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हो। मैं इसको इस तरह से पेड़े के उसमें शेप में बना रही हूँ। आप बनाने के टाइम में हाथ में घी लगा सकते हो, नहीं तो चिपकेगा मिक्सर। और इस तरह से गोल बना के अंगूठे से प्रेस कर देना है। इस तरह से देखो कितने ज़्यादा पेड़े बन के नहीं हमारे तैयार हैं। आप इस तरह से भी खा सकते हो। अब मैं इसके थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ जो कि बाज़ार जैसे लगें, सुंदर लगें देखने में। इस तरह से मैं पिस्ता की कतरन से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप बादाम से भी कर सकते हो, काजू से भी कर सकते हो। दोस्तों इतनी सस्ती मिठाई आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इस तरह से एक बार आप ज़रूर बना कर नहीं इस्तेमाल करना। बाज़ार की मिठाई में काफ़ी मिलावट आती है। आप इस तरह की मिठाई बना के गिफ्ट भी कर सकते हो दिवाली पर, जो कि सबकी सेहत के लिए भी अच्छी है। ये सबकी सेहत के लिए भी अच्छी है और खाने में भी टेस्टी है। इस तरह से मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। कितनी सुंदर मिठाई लग रही है, एकदम टिम-टिम लग रही है देखने में। चांदी का वर्क लगाने के बाद और सुंदर लगेगी। अभी मैंने पूरा नहीं लगाया चांदी का वर्क, मैं दिवाली के लिए लगा रही हूँ चांदी का वर्क। आप घर के लिए बना रहे हो तो चांदी का वर्क लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहता चांदी का वर्क। एकदम बाज़ार जैसी मिठाई बन के नहीं तैयार होगी इस तरह से। इस तरह से मेरी सारी मिठाई बन के नहीं तैयार है। दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।